नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि दिन में एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी बन जाता है कि आपको सेब के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज हर दूसरी चीज के साथ नहीं खाई जा सकती। जैसे कि अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो दूध तो सेहत के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दूध के साथ अगर आप किसी भी नमकीन चीज का सेवन करते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत ही बुरा है। तो ऐसे में सेब खाते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपको चार ऐसी चीजें बताऊंगी जिनका सेवन आपको सेब के साथ या सेब खाने की तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर को काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, सेब का सेवन आपके और आपके परिवार में कोई न कोई जरूर करता होगा, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेब का सेवन हमें मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट में करना चाहिए, क्योंकि सेब के अंदर काफी एनर्जी होती है जिससे फुल डे हमें एनर्जी रहती है, और इसके अंदर का फाइबर हमारे पेट को भरा हुआ भी रखता है और हमें ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप सेब का सेवन करते हैं तो सेवन करने के एकदम बाद तो आप पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सेब के बाद पानी का सेवन करने से आपका गला खराब हो सकता है और आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको खांसी जुकाम हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप सेब खाएं तो उससे एकदम बाद आप पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज है मूली का सेवन। सेब खाने के एकदम बाद मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी है, और अगर आप इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर सफेद दाग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सफेद दाग की प्रॉब्लम दो चीजों के रिएक्शन से ही होती है, और यहाँ पर पता नहीं चलता कि कौन सी चीजें हमने खा ली जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो गई। और आप जानते ही है कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप सेब का सेवन करें तो उसके एकदम बाद मूली का सेवन बिल्कुल न करें। सेब और मूली के सेवन के बीच में 8 घंटे का गैप कम से कम जरूर रखें। तीसरी चीज है, सेब खाने के बाद खट्टी चीजों का सेवन ना करें, यानी कि सेब खाने के बाद आप जूस में खट्टे जूस का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग सेब खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो फ्रूट्स के साथ जूस जरूर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप सेब के बाद खट्टे जूस का सेवन ना करें। सेब के साथ दूध का सेवन सबसे अच्छा है। सेब और दूध दोनों की दोस्ती है, और इन दोनों का सेवन अगर आप इकट्ठे करते हैं तो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। आप चाहें तो एप्पल शेक भी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन सेब के साथ खट्टी चीजों का सेवन करने से आपके शरीर को काफी नुकसान होता है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपके पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है, आप सेब खाने के तुरंत बाद दही का सेवन बिल्कुल न करें। दही की तासीर ठंडी होती है, और सेब के साथ अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको अगेन कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गला खराब हो सकता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, यहाँ तक कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिनका सेवन आपको सेब के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे सेब सेहत के लिए काफी अच्छा है, आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और साथ में दूध का एक गिलास लें तो ये कहावत बिल्कुल सच हो जाएगी, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी बातें जो आपके शरीर को काफी स्वस्थ रख सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।